प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है सरपंच की परीक्षा। सोनपुर गांव के सरपंच ठाकुर प्रताप सिंह एक नेक और ईमानदार आदमी थे। गांव में शायद ही कोई होगा जो उनके बारे में बुरा सोचता हो। गांव की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत काम किया। स्कूल खुलवाना, सड़कें बनवाना, खेतों में पानी देने के लिए पंप लगवाना, ऐसे कई काम सरपंच प्रताप सिंह ने किए। सरपंच प्रताप सिंह की बेटी पारो उन्हीं की तरह बुद्धिमान और सूझबूझ वाली लड़की थी। प्रताप सिंह पारो की इस खूबी को खूब समझते, इसलिए अपने फैसलों से पहले उसकी राय भी लिया करते। पारो गुणी तो थी ही, और लगातार पढ़ते पढ़ते उसकी सूझबूझ और भी तेज हो गई। गांव की सभी औरतें पारो को बहुत मानती थी, उनमें अक्सर बातें हुआ करती। पारो दीदी के पास तो हर मुश्किल का हल होता है। कितनी छोटी हैं, मगर कितनी समझदार। ठाकुर साहब के बाद तो नया सरपंच पारो दीदी को ही बनना चाहिए। ये सब बातें घूमते घुमाते सरपंच प्रताप सिंह के कानों तक भी पहुंची। उन्हें ये सब जान सुनकर बहुत अच्छा लगा। सभी माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ दूसरों से सुनना चाहते हैं, भले ही बच्चे नालायक हों, और यहां तो पारो थी ही तारीफ के लायक। प्रताप सिंह एक अनुभवी सरपंच थे। वे जानते थे कि पारो के लिए सरपंच बनना भले आसान हो, पर सरपंच बने रहना आसान नहीं होगा। उस दिन हरिया माली ने सरपंच प्रताप सिंह को बताया, सरकार, ये जो बिरजू है ना, ये नहीं चाहता कि पारो बिटिया सरपंच बने। यहां वहां के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ मिला लिया है, आप कुछ कीजिए। अरे हमें क्या करना है, गांव वाले अगर चाहते हैं कि पारो सरपंच बने तो बिरजू क्या, कोई भी उसे नहीं रोक सकता, तुम चिंता ना करो। हरिया से इतना सब कहकर सरपंच अपने किसी काम से चले गए। गांव में चुनाव हुए और पारो सबकी इच्छा से नई सरपंच बन गई। बिरजू चुनाव में तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन आए दिन सिर्फ पारो को परेशान करने के लिए बिना सिर पैर के मामले, झूठ मूठ के झगड़े सब पारो से सुलझाने के लिए भेजा करता। पारो हर मामले को बहुत ही शांति से सुनती और उनका हल निकालती। दिन ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहे थे और एक दिन बिरजू को उसका मौका मिल ही गया। हुआ यूं कि एक घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़े लेकर गांव के पास से गुजर रहा था। दिन का वक्त था। खाना खाकर थोड़ा सुस्ताने के लिए जैसे ही लेटा, वैसे ही उसकी आंख लग गई। 2-3 घंटे बाद जब व्यापारी उठा तो उसके सभी घोड़े पास के खेत में फसल को चर रहे थे। पूरी फसल घोड़ों ने बर्बाद कर दी थी। पहले तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूं, जल्दी से यहां से भाग जाता हूं, पर इतने सारे घोड़ों को जब तक इकट्ठा करूंगा, खेत का मालिक जरूर मुझे पकड़ लेगा। और हुआ भी यही। अब इसे व्यापारी की बदकिस्मती कहना ही शायद ठीक होगा कि बिरजू 4-5 लोगों के साथ खेत पर आ पहुंचा। सभी के हाथों में मोटे मोटे डंडे थे। बिरजू गुस्से से आग बबूला हो रहा था। खेत जो उसका था। ए व्यापारी, आज तेरी खैर नहीं, तूने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर डाला, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। बिरजू व्यापारी को डंडा जमाने ही वाला था कि गांव वालों ने बीच बचाव करके उसे रोका। सबका यही कहना था कि अब इस झगड़े का फैसला तो सरपंच के यहां ही होगा। मैं पारो सरपंच को नहीं मानता, ये गुड्डे गुड़िया का झगड़ा नहीं जिसे मुझसे आधी उम्र की लड़की सुलझाए। अब फैसला करेंगे तो पुराने सरपंच प्रताप सिंह ही करेंगे, नहीं तो मैं इस व्यापारी को। लोगों ने
इस समय बिरजू की बात मानना ही सही समझा और सब लोग सरपंच के घर पहुंचे। प्रताप सिंह ने पूरी बात सुनने से पहले ही बता दिया, देखो भैया, क्योंकि अब मैं सरपंच नहीं हूं इसलिए इस मामले का फैसला नहीं कर सकता, ये काम अब पारो का है। पर बिरजू की जिद को देखते हुए पारो ने कहा, पिताजी पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, हो सकता है जो आपका फैसला हो वही मेरा भी फैसला हो। पहले व्यापारी ने अपनी बात बताई, सरकार खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो क्या गया, ये सारे घोड़े खेत में फसल खाने चले गए, इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो जानवर हैं, इन्हें क्या पता, इनके लिए क्या खेत क्या बाग तो क्या मैदान, सब कुछ एक ही है। बिरजू, क्या ये व्यापारी सही कह रहा है, सरपंच ने बिरजू से पूछा। जी सरपंच जी, अब आप ही कुछ बढ़िया फैसला दीजिए, आपसे क्या छुपा है, मैंने अकेले ही पूरा खेत बोया था, मेरे लड़के तो शहर में नौकरी करते हैं, वो तो मुझसे मिलने ही नहीं आते हैं तो इस काम के लिए क्या आएंगे, मेरा तो साल भर का नुकसान हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, बिरजू को चुप करवाकर प्रताप सिंह ने व्यापारी से कहा, देखो घोड़े तुम्हारे हैं तो ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि तुम इस बात का पता रखो कि तुम्हारे घोड़े किसी का नुकसान ना करें, तुम्हारे घोड़ों ने बिरजू का पूरा खेत खराब कर दिया, तुम बिरजू का जो भी नुकसान हुआ है उतना पैसा दे दो। प्रताप सिंह ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले से बिरजू तो खुश हो गया, लेकिन व्यापारी दुखी होकर बोला, ये कैसा फैसला सरकार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बिरजू का नुकसान भर सकूं। हाँ, अगर बिरजू चाहे तो उसका जितना नुकसान हुआ है उतनी कीमत के मेरे घोड़े रख ले और मुझे जाने दे, मैं घोड़ों का क्या करूंगा, ना तो ये मेरे खेत में काम कर सकते हैं और ना ही इन पर बैठकर मैं अपने बच्चों से मिलने शहर जा सकता हूं, ये मेरे लिए बेकार हैं। प्रताप सिंह ने इस बार बिरजू से पूछा, क्यों बिरजू, मेरा फैसला तो व्यापारी को मंजूर नहीं, अब क्या कहते हो, पारो से फैसला मांग लें। सभी गांव वाले पारो के फैसले को जानना चाहते थे, बिरजू क्या करता, बात जो इतना उलझ गई थी, थक हार कर वो भी सबके साथ मिल गया। पारो पूरी कहानी तो सुन ही चुकी थी, आज का ये फैसला साबित करने वाला था कि वो कितनी अच्छी सरपंच है, आखिर बिरजू जो शामिल था और इस बार तो उसका सच में नुकसान हुआ था। पारो ने बोलना शुरू किया, अब जब आप सब लोग और बिरजू काका मेरा फैसला सुनना चाहते हैं तो मेरा कहना है कि क्योंकि व्यापारी पूरे पैसे नहीं भर सकता तो उसे बिरजू काका के खेत में 3 महीने तक काम करना होगा जिससे फसल का नुकसान पूरा हो सके। व्यापारी की लापरवाही की वजह से ही घोड़े खेत में घुस गए, अगर घोड़ों को सोने से पहले ठीक से बांध दिया जाता तो ये सब नुकसान ना होता, इसलिए व्यापारी अपने घोड़ों को बेचकर जुर्माने के रूप में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बिरजू काका को दे जिससे कम से कम साल भर तक उनका घर चलता रहे, इससे व्यापारी पर भी जुर्माने का बोझ नहीं पड़ेगा और काका का भी नुकसान पूरा हो जाएगा, यही मेरा फैसला है, मुझे मंजूर है, व्यापारी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। बिरजू को तो पारो की तारीफ करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, इतनी छोटी लड़की का इतना सही फैसला, कुछ कहेंगे नहीं बिरजू काका, फैसला तो ठीक है ना, पारो ने बिरजू से पूछा। हमें माफ कर दो बिटिया, अपने लड़कों की नालायकी की वजह से हमने हमेशा तुम्हारी होशियारी को नहीं माना, आज तुम्हारे फैसले ने यह साबित कर दिया कि तुम वाकई सरपंच बनने लायक हो। प्रताप सिंह अपनी बेटी की इस जीत पर बहुत खुश थे, आखिर उनकी बेटी पारो ने गांव के सबसे जटिल इंसान को भी अपनी सूझबूझ से जीत लिया था। तो देखा बच्चों, शांति में सोच विचार कर किए गए फैसले से किसी का भी नुकसान नहीं होता,
अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।